देखिए सर, झारखंड राज्य में तंत्र और व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, आयोग की मृत्यु हो गई है, इसलिए जब किसी का मृत्यु होता है तो उसका शव यात्रा निकालना पड़ता है, उसका श्राद्ध करना पड़ता है, उसका दस्करम करना पड़ता है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मृत्यु हो गया है सब चीजों का, तो मृत्यु होने के बाद तो ये करना पड़ेगा ना सर, ये नहीं करेंगे तो हमारे दिल को हमारे मन को दिलासा कैसे मिलेगा? घर जाएंगे तो मन में प्रश्न उठेगा, घर वाले प्रश्न करेंगे, तो उस प्रश्न का ये जवाब है कि आयोग का मृत्यु हो गया, अब हमको कोई उम्मीद नहीं। हम अपने अंदर देखिए, हम लोग युवा हैं, हम लोग युवा पीढ़ी है, हमारा दर्द जो है वो बाहर कभी नहीं चल रहा, हमारा जो दर्द है वो अंदर ही अंदर रहता है, उस दर्द को बयां करने का ये तरीका है। इस देश का अगर युवा रोने लगेगा तो देश कमजोर हो जाएगा, ऐसा संदेश जाएगा पूरे विश्व में, वो हम नहीं चाहते हैं। हमारा आंसू किस प्रकार आता है, विरोध के रूप में आता है, वो विरोध आपको दिख रहा है। देखिए सरकार नई बनी है, सरकार अभी अपने सरकार को स्थिर रखने में व्यस्त है, हम विद्यार्थियों का सुनवाई इस राज्य में नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं, सरकार तक अपनी बात को कैसे पहुंचाए? विधायकों से मिले, माननीय सांसदों से मिले, मंत्रीगण से मिले, लेकिन हमारा परिणाम नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है। सब आश्वासन देते हैं लेकिन जब रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो क्या करें हम लोग? बोलिए, हम लोग कोई अराजक तत्व तो है नहीं, हिंसा का रास्ता अपना नहीं सकते हैं, तो संवैधानिक दायरे में रह के किया जा सकता है। कब है सरकार समझे, पार्टियां समझे, हम युवाओं का जो दर्द है वो हम दिखा रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य में यह संदेश जा रहा होगा कि हम राज्य के युवाओं के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और स्वाभाविक है इसका असर चुनाव में तो दिखता ही है। हम पिछली बार 2019 में जो काम किए, जिस वजह से सरकार झारखंड में आई, हो सकता है इस बार न करे, दुख है, दुख अगर दर्द रहेगा तो क्यों हम करेंगे वैसा? देखिए माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार अब चली गई, माननीय श्री चंपई सोरेन जी की सरकार है। हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की जो सरकार आई थी उसमें हम युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। हमको चाहे कि हमारे झारखंड का विकास होगा, हमारे झारखंड में जो सपना हम लोग सजोए थे वो पूरा होगा, लेकिन आज 4.5 साल बीतने को है और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ, हम लोग कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके विरोध में हम लोग आज आए हैं। हम लोग अपना वो कर रहे हैं जो करना चाहिए, लोकतंत्र है, संविधान है, उसके दायरे में ही रह के कोई काम करेंगे, तो वही कर रहे हैं। देखिए हम लोगों का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा शिकायत JSSC आयोग से, सरकार पे हम बच्चे क्या ही टिप्पणी करें, ये तो सरकार को देखना चाहिए था कि आयोग ऐसा क्यों कर रही है। एक रिटायर्ड पर्सन को आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया और वो इस तरह से कर रहे हैं, तो ये अच्छा संदेश देश में और राज्य में, राज्य की जनता में नहीं जाएगा। सर मैम, सड़क उतरने के मंजूर किया गया मैम JSSC के द्वारा, जिस सरकार के द्वारा जो हम लोग अपनी भावना सपना दिखाती है, लेकिन क्या है हम लोग के बारे में कुछ सोचती है, कुछ सोचती तो आज हुआ यहाँ नहीं उतरते मैम, हम लोग मर रहे हैं मैम, ऐसे ही मैम हम लोग को तो दिखाया गया ना सपना, हम लोग को दिखाया गया ना सुनहरा सपना कि आप लोग के लिए क्या होगा, लेकिन तीन बार इंसान देखे हम लोग के लिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मर रहे हम लोग तो क्या तुम तुम के मन है, हम तो तुम जिंदे आदमी की बात नहीं सुना जाए, तुम मुर्दों की बात सुन लिए जाए, उम्मीद तो है सर, उम्मीद है तभी हम लोग कर रहे हैं सर, जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं है सर, तुम के मन है इसे अच्छा, हम लोग कम से कम जिंदा आदमी की बात नहीं सुनी भाई, तो मरने के बाद आप लोग को हार नहीं मानना चाहिए सर, हार नहीं माने तभी तो बाल मिलवा रहे सर, ताकि हम लोग की बात सुनी जाए। आपको लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है? सर ऑप्शन नहीं बचाता तो हम लोग सब ऑप्शन में अपना चुके हैं सर, जब ऑप्शन बचा हुआ रहता है तो हम लोग जरूर करते सर, ये लास्ट ऑप्शन है और हम लोग कर ही रहे हैं सर, लेके रहेंगे आप लोग, हम लोग लेके रहेंगे सर, कुछ भी हो जाए। यस सर, 3 साल से मर रहे हैं सर, 3 साल से 3 साल से
अब तीन साल से मुर्दों का बात नहीं सुने। सरकार को चेतावनी दे रहे क्या? हाँ सर, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, जब नहीं हुआ तो उखाड़ पे देंगे सर हमने। बस किसी तरह से कोई फायदेमंद नजर आ रहा है? हमें फायदेमंद नजर आ रहा है, लेकिन जेएसएससी चेयरमैन ही है, हम लोग को गोल गोल घुमा रहे हैं। जेएसएससी का इरादा ही नहीं है हम लोग को नौकरी देने का। मैम इन्फो न्यूज़ भारत।